वडोदरा पंचमहाल जिला के रीजनल पीएफ के अधिकारी के तौर पर मनोज कुमार यादव ने आज अपना पदभार संभाला था। वडोदरा पंचमहाल जिला के रीजनल पीएफ कमिश्नर के तौर पर मनोज कुमार यादव ने आज से अपना पदभार संभालते हुए अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनका स्वागत सत्कार किया गया था। जाहिर सी बात है कि पंचमहाल वडोदरा जिला के रीजनल पीएफ कमिश्नर के तौर पर मनोज कुमार यादव ने पदभार संभालते हुए आज उनका विधिवत स्वागत सत्कार करते हुए उनका अभिवादन किया गया। वे 1998 की बैच के मनोज कुमार यादव ने 23 वर्ष की कारकिंदगी में ही अधिकतम पीएफ कचेरी में काम किया है। पहले देहरादून नोएडा में काम कर चुके हैं। वडोदरा में आने के साथ वडोदरा क्षेत्र में नौकरियात वर्ग तथा पीएफ कचेरी द्वारा उनके क्लेम पास करवाने में पैदा होती परेशानी दिक्कतों को दूर करने के लिए प्राधान्यता दी जाएगी, वैसा उनके द्वारा कहा गया था। इसके अलावा सरल कार्य करने पर भी ध्यान दिया जाएगा। हर महीने 50,000 जितने क्लेम आते हैं तो वही कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल एम्प्लॉय पोर्टल पर भी हर एक कॉन्ट्रैक्टर को रजिस्टर करवाना अनिवार्य है। हर एक कर्मचारी पीएफ के साथ वक्त पर उन्हें जमा करवाना है अनिवार्य बताते हुए उनके द्वारा कार्यवाही की जाएगी। साथ ही कोरोना काल के दौरान अपने माता और पिता दोनों को गंवाने वाले वैसे बच्चों के लिए उनकी जानकारी इकट्ठा करने के साथ उनके लिए सहायता अर्पित की जाएगी, वैसी जानकारी दी गई थी। जी, सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कि आप लोग एक छोटे से इन्फॉर्मेशन पे आए और हमारे इस प्रेस कवरेज दे रहे हैं, थैंक यू। मैंने यहां पे ज्वाइन किया है कल, और इससे पहले मैं देहरादून और नोएडा के कार्यालयों में रह चुका हूं और 1998 बैच में ज्वाइन किया है मैंने यूपीएससी के थ्रू। तो 22-23 साल की हमारी नौकरी हो गई है, और यहाँ पे ईपीएफ जो कार्यालय है ये अभी इंडिया के कुछ बहुत अच्छे कार्यालयों में से है, बहुत अच्छे ऑफिसेज में से है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस को ये सर्विसेज दे रहा है। इसमें ऑलरेडी कंप्यूटराइजेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और काफ़ी हद तक यहाँ पे लोगों के पास पीसी है, कंप्यूटर्स हैं, स्टाफ पूरा हमारा वेल ट्रेंड है, और यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज हम और मेरे ख्याल से सेटिस्फैक्ट्री से भी अच्छा, काफ़ी अच्छी सर्विसेज हम दे रहे हैं। पर हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले टाइम में जो सर्विस एरिया में टाइम लग रहा है क्लेम सेटलमेंट में, उसको और रिड्यूस कर दें और कम कर दें उसको, ताकि कोई भी मेंबर अगर अपना क्लेम फाइल करता है उसको 3 दिन के अंदर उसके पैसे का भुगतान हो जाए, ताकि उसको ज़रूरत में पैसे का लाभ मिल सके उसको। दूसरा, हमारी कोशिश ये है कि जो अभी कोरोना टाइम्स में जो बच्चे ऑर्फन हुए हैं, जिनके मदर फादर दोनों ही एक्सपायर हो गए हैं, उन बच्चों को आइडेंटिफाई करना कि उनके पेरेंट्स कहाँ किस फैक्ट्री में काम करते थे, उनका पीएफ का कितना बैलेंस था, उनको आइडेंटिफाई करके उनका इंश्योरेंस का पैसा, उनका पीएफ का पैसा उन तक पहुँचाना, ये एक हमारी प्राथमिकता होगी अभी आने वाले समय में सबसे ज़्यादा। और दूसरी जो प्राथमिकता है वो है आधार नंबर, आधार के डेटाबेस में जो नेम और फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ है वो, और हमारे पीएफ के डेटाबेस में जो डेटा है ये तीनों फील्ड्स के, उसको मैच कराना। इससे फ़ायदा क्या होगा, ये तीनों डेटा फील्ड मैच कर जाएंगे तो लोगों को ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ मिलेगा और उनको हमारा सिस्टम खुद ही प्रोसेस कर देगा क्लेम को। अभी जैसे क्लेम आता है वो ऑनलाइन फाइल करते हैं तो मेरे बाबू के पास आता है उसकी लॉगिन में, वो वहाँ से प्रोसेस करता है उसको। जब ये ऑनलाइन हो जाएगा, सारी चीज़ें मैच कर जाएंगी, तो मैक्सिमम चीज़ें सिस्टम अपने आप प्रोसेस कर देगा, क्लेम को किसी आदमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिस्टम अपने आप उसको क्लेम प्रोसेस कर देगा, पैसा उनको मिल जाएगा। तीसरी प्राथमिकता हमारी होगी जितने बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें मैन पावर सप्लायर्स हैं, मैन पावर सप्लायर्स के लिए एक प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल बना हुआ है। इस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल में उनको सभी मैन पावर सप्लायर्स को, कॉन्ट्रैक्टर्स को रजिस्टर करना होता है, ताकि पता चल सके कि कौन सी कंपनी में कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है और वो अपने वर्कर्स का पैसा भर रहा है, नहीं भर रहा है, कंप्लायंस कर रहा है, नहीं कर रहा है, सिस्टम पर हम चेक कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा प्रयास है कि वो इंश्योर करें कि जितने भी बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, वो जो कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, वो लोग प्रिंसिपल एम्प्लॉयर पोर्टल पे अपने सारे कॉन्ट्रैक्टर्स का डिटेल्स, पीएफ नंबर, उनके वर्कर्स का डिटेल्स सब उस पर डालें, ताकि वो वेरीफाई हो सके, अगर कोई कंप्लायंस में कोई कमी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो आइडेंटिफाई हो सके और जल्दी चीज़ों को हम पकड़ सकें और उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकें।